मिस एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। तो आज मैं करने वाली हूँ फर्स्ट इंप्रेशन स्विस ब्यूटी के रियल बेस मेकअप प्राइमर के साथ और स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन के साथ जो मैंने अभी अमेजोन से मंगाया था और मैंने उसे भी ट्राई नहीं किया। तो मैं आज उसे ट्राई करने वाली थी तो सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए और आपके साथ शेयर किया जाए फर्स्ट इंप्रेशन इसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज एकता माहेश्वरी 65। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है स्विस ब्यूटी का रियल बेस मेकअप प्राइमर और ये हाइलाइटिंग प्राइमर है। ये मैंने अभी अमेजोन से मंगाया था। अगर आपने वो हॉल नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा इसके प्राइस एंड ऑल। तो काफ़ी चीप रेट पे मुझे ये मिल गए थे सारे प्रोडक्ट। तो ये है प्राइमर और कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। तो आज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मैंने शेड मंगाया है वो है पिंक टिंट। तो ये है प्राइमर की बॉटल। बहुत ही सारा प्रोडक्ट आया है और तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। तो मैं थोड़ा ही पहले ट्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 1 पंप और इसे अपने फेस पे स्प्रेड आउट करके। और हैंड से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसे। काफ़ी मॉइस्चराइजिंग लग रहा है और वैसे तो मैंने अपनी स्किन अच्छे से प्रेप की थी, टोनर मॉइस्चराइजर सब लगाया था और उसके बाद भी काफ़ी मॉइस्चराइजिंग लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि मुझे एक ड्रॉप और लेना चाहिए इसकी। वाओ, देखिए कितने हाइलाइटिंग दिख रहे हैं ना, मेरे चीक्स कितने हाइलाइटेड दिखते हैं। ब्लेंड तो अच्छे से हुआ है बट ये कोई ऐसा लग रहा है मुझे पोर फिलिंग प्राइमर तो नहीं है, ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। जस्ट पोर्स तो इसने मेरे फिल नहीं किए हैं बट ये बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग, मतलब हाइलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है। अगर आपने अपना मेकअप करने के बाद हाइलाइटर भी नहीं लगाया ना तो भी आपको एक अच्छा सा ग्लोई ड्यूई इफेक्ट मिलेगा इससे। और अभी फ़िलहाल विंटर्स के लिए, मतलब ज़्यादा विंटर्स भी नहीं है, अच्छा सा मौसम हो रखा है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे तो मुझे ये ठीक लग रहा है। लेकिन शायद समर के टाइम पे थोड़ा सा ये चिपचिपा हो सकता है क्योंकि मेरी जो समर के टाइम पे है ना वो कॉम्बिनेशनल स्किन हो जाती है, नॉर्मल और ऑयली हो जाती है। तो उस टाइम पे आई थिंक मुझे, मैं चलो समर्स में भी एक बार ट्राई करके देखूंगी, अगर उस टाइम पे मुझे सूट कर जाता है और चिपचिपा नहीं लगता है तो ये ठीक होगा। वैसे अदरवाइज़ ये इस टाइम के लिए और विंटर्स के लिए परफेक्ट प्राइमर है, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, हाइलाइटिंग प्राइमर है और काफ़ी पसंद आया मुझे। और समर्स में भी मैं इसे एक बार ट्राई करूँगी और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट बताऊँगी, इसका रिव्यू दूँगी। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल बहुत पसंद आया है और बहुत अच्छी सी इसमें फ्रेग्रेंस है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं फाउंडेशन के साथ। और ये हाई कवरेज फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का है और जो मैंने शेड लिया है वो है 04 नेचुरल न्यूड। और होप कि ये शेड मेरे स्किन टोन से मैच कर जाए क्योंकि मैंने जस्ट रैंडमली मंगा लिया था अपने मेबलिन के शेड के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसकी ले लेते हैं, 2 पंप ले लेते हैं। और एक साइड मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी और एक साइड मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। तो देखते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। पहले मैं यहाँ ब्रश से ब्लेंड करूँगी, ब्रश से लगाऊँगी यहाँ पे। आई थिंक इतना बहुत है। और मैं ये ले रही हूँ फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ और इससे ब्लेंड करूँगी। मैं ब्रश से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए बट फिर भी मुझे एक रिजल्ट दिखाना था, आपको शो करना था, इसलिए मैंने दोनों से आपको दिखाने का ट्राई करा है। लेकिन मुझे ब्रश बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लेंडिंग के लिए, खासकर फाउंडेशन और कंसीलर। और
फिनिश तो इसकी मुझे हाई नहीं लग रही है, मीडियम ही है। ब्रश से भी देखिए ब्लेंड करने के बाद मेरा जो ये डार्क सर्कल है बिल्कुल भी हाइड नहीं हुआ है, जिस तरह से एक फाउंडेशन से हाइड होना चाहिए। वैसे भी मुझे ना हाई कवरेज फाउंडेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, और इसी तरह की कवरेज मुझे अच्छी लगती है। तो ब्रश से इस तरह की कवरेज है, मीडियम कवरेज चाहिए ब्रश से। तो देखिए नेक्स्ट साइड के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट बच गया है, और मैं हाफ पम्प के अराउंड और लूँगी नेक्स्ट साइड लगाने के लिए। तो ये मैंने हाफ पम्प और लिया है, मीन्स मैंने 2.5 पम्प लिया है पूरे फेस को कवर करने के लिए। देखते हैं कवर हो पाता है कि नहीं हो पाता। जितना मुझे कवरेज चाहिए उतना, मुझे कोई हाई कवरेज नहीं चाहिए। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर, और ये है ब्लू हेवन के फाउंडेशन के साथ जो आया था ना, हाई कवरेज फाउंडेशन के साथ, वही ब्लेंडर है, और इससे मैं फिर ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे ब्लेंड करने के लिए ना ब्यूटी ब्लेंडर ही बहुत पसंद है। बहुत अच्छी फिनिश आती है ब्यूटी ब्लेंडर। आई नो कि बहुत ज़्यादा सोक करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर प्रोडक्ट को, बट मुझे इसकी जो भी कवरेज आती है ना ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत अच्छी लगती है। ऑब्वियस है कि थोड़ा ब्रश की साइड ज़्यादा कवरेज मिली है हमें एज़ कम्पेयर टू ये ब्यूटी ब्लेंडर की साइड, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सोक करता है, क्योंकि ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, और इतनी ही मुझे कवरेज चाहिए होती है। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, कहीं पे भी देखिए कहीं पे भी मुझे ये फील नहीं हो रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है। और इधर भी ना ब्रिसल्स के हल्के हल्के से निशान है, बाकी तो ये यहाँ पे भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो देखिए इस तरफ मैंने ब्रश से ब्लेंड किया था, और इस तरफ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, तो इधर थोड़ी कवरेज ज़्यादा दिख रही है, और इधर बिल्कुल शेयर टू मीडियम कवरेज दिख रही है। इधर मीडियम कवरेज ही बोल सकते हैं, बस मेरे डार्क सर्कल्स हाइड नहीं हुए हैं, बाकी सब वैसे तो मेरे फेस पे कुछ भी स्पॉट्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बहुत इवन लग रहा है फेस। और इस तरफ ये डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये नोज़ के अराउंड भी बहुत दिख रहा है, जो भी मतलब कवरेज इसकी शेयर ही है, शेयर टू मीडियम है विद ब्यूटी ब्लेंडर, और इधर आपकी मीडियम कवरेज मिल जाती है विद ब्रश। तो ओवरऑल जो फाउंडेशन है काफ़ी सही है, फिनिश काफ़ी सही है, और बिल्कुल भी पता ही नहीं लग रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है। बहुत अच्छे से जो ये वाला शेड है मेरे स्किन में ब्लेंड हो चुका है, और अभी तो आज तो मुझे ये बहुत पसंद आया है। और देखते हैं और जब मैं इसे ट्राई करूँगी आगे, तब मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगी फाइनली कैसा रहा है। पूरा मेकअप करने के बाद दिस इज़ द फाइनल लुक विद स्विस ब्यूटी प्राइमर एंड फाउंडेशन। एंड अभी तक तो ये फाउंडेशन और प्राइमर अच्छा वर्क करा है, जब तक मैंने पूरा मेकअप कंप्लीट किया, कहीं से भी लाइंस वगैरह नहीं पड़े हैं, कहीं से भी क्रीज आउट नहीं हुआ है, कहीं से भी हटा नहीं है अभी तक ये फाउंडेशन, खाली मेनली फाउंडेशन, और मैंने अभी कोई हाइलाइटर नहीं लगाया है फेस पे, और फिर भी इतना ग्लोई ड्यूई सा मेरा मेकअप लग रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा फेस, तो इससे आपका ना हाइलाइटर का काम भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी देखते हैं, मैं इसका वेयर टेस्ट भी करूँगी, क्योंकि मैं इसके बाद एक और वीडियो शूट करूँगी, और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊँगी, तो कैसा रहा ये फाउंडेशन। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। चलिए बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट की इस प्राइमर और फाउंडेशन की। तो इससे मैंने अभी एक और वीडियो बनाई है, और मुझे 45 मिनट्स के अराउंड हो चुका है इसे वेयर करे हुए। तो अभी तो फिलहाल जो आपका वेदर है ना बहुत ही ज़्यादा सही है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, और बिल्कुल भी कहीं से भी कोई लाइंस वगैरह नहीं आई है मेरे, ना कहीं ऐसा पता लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया है, और कहीं से भी ये हटा भी नहीं है फाउंडेशन। और ये तो अभी इसलिए था कि शायद मैं अभी घर पे ही हूँ, और बैठे बैठे ही मैंने काम किया है, वीडियोस बनाई हैं, तो इसलिए, और टस से मस भी नहीं हुआ है ये फाउंडेशन और प्राइमर। तो देखिए कितना ग्लोई दिख रहा है, मैंने कुछ भी हाइलाइटर नहीं लगाया और फिर भी कितना ग्लोई दिख रहा है। तो अभी तक तो मुझे सही लग रहा है, और इसका और रिजल्ट मैं आगे जब समर्स में ट्राई करूँगी तब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट बताऊँगी कि किस तरह से ये समर्स में काम कर रहा है, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उस टाइम पे ये हो सकता है खिसक खिसके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वो फाउंडेशन है ना वो भी निकल जाते हैं नोज़ के आसपास से, माउथ के आसपास से समर्स के टाइम पे। तो अभी तो बहुत सही है ये
वेदर के लिए, मुझे लग रहा है विंटर्स के लिए भी बहुत सही है, और बिल्कुल भी मेरी स्किन ड्राई नहीं लग रही है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग लग रही है मेरी स्किन। तो अभी तक तो ये सही है फाउंडेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसे समर के टाइम पे वेयर करूँगी फाउंडेशन को, उस टाइम पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और उसी टाइम पे मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू दूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर।